तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो मेरे पास आज होंडा की सीबी साइन बाइक है और इसमें जो प्रॉब्लम आई हुई है, इसके सेल्फ स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, सेल्फ बाइक नहीं ले रही, बैटरी इसकी बिल्कुल अच्छी है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, उससे पहले आप लोगों को इसका सुना देता हूँ। यहाँ पे देखो न्यूट्रल लाइट जल चालू है, इसका मैं बटन दबाऊंगा तो आवाज आएगी, खाली बाइक स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ से देखो मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ से सुनो आवाज आप लोगों को बिल्कुल आएगी। तो यहाँ से आप लोगों ने आवाज इसकी सुन ली होगी, हम सेल्फ दबाते हैं, सेल्फ का बटन प्रेस करेंगे तो इसमें खट खट की आवाज आती है, तो इसको सही कैसे करना है ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्ट होने वाली है, तो चलो फटाफट से ज्यादा देर न कर तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम खोलते हैं ये वाला पैनल जो हमारा लेफ्ट साइड का पैनल है, यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, मैं आप लोगों को बताऊंगा स्क्रू ये वाला, इसको हम पूरा खोल लेंगे, पेचकस से इसको पूरा खोल लेंगे। तो चलो फटाफट से खोल लेते हैं और इसका पैनल कैसे निकालना ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्रू इसका निकाल लेता हूँ बाहर। तो यहाँ से हमारा स्क्रू हो गया बाहर, ये रहा इसका स्क्रू, इसको रखते हैं हम साइड में। इसके बाद इस पैनल को इस तरीके से बाहर की तरफ खींच लेंगे, इस इधर इधर एक हाथ डाल के इधर से ऐसे खींच लेंगे और पीछे से वापस हम आगे की तरफ खींचेंगे तो हमारा पैनल निकल जाएगा। तो हमारा पैनल निकल गया, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है सेल्फ का रिले, जो हमारा मेन रिले, यहाँ से हमारा ये रिले स्टार्ट करता है हमारे सेल्फ को। तो यहाँ से हम एक पेचकस ले लेते हैं, ये वाला पेचकस, और ये जो हमारे दोनों वायर हैं इनमें अटैच करना है हमको। यहाँ पे देखो मैं अटैच कर रहा हूँ तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, बाकी यहाँ पे अटैच कर, यहाँ पे देखो मैं अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखो दोनों वायर में मैं अटैच कर रहा हूँ फिर भी हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अगर यहाँ से हमारी बाइक दोनों वायर अटैच करने में स्टार्ट हो जाती तो हमारा सेल्फ का रिले जो है वो खराब है, अगर हो जाती तो। बाकी हमारी स्टार्ट नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, इसके सेल्फ को कंप्लीट खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिले बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है, रिले खराब नहीं हुआ, इसके सेल्फ को कम्प्लीट हम खोलते हैं। तो कैसे खोलना है फटाफट से ये बताते हैं, ये रिले बिल्कुल बढ़िया है और हमको खोलना पड़ेगा इसका सेल्फ, सेल्फ खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो चलो फटाफट से इसका सेल्फ कंप्लीट निकालते हैं बाहर। तो फाइनली मैं आ गया क्लच साइड में और ये दोनों बोल्ट हम सेल्फ को खोलेंगे, यहाँ पे 10 नंबर के, और यहाँ पे एक बोल्ट ये वाला जो हमारा मेन वायर है, जो बैटरी से मेन वायर आती है, यहाँ पे अर्थिंग लगी हुई है, ये तीनों बोल्ट को हम खोलेंगे और इसका सेल्फ कंप्लीट निकालेंगे बाहर। तो चलो फटाफट से सब बोल्ट खोलते हैं। तो हमारे सारे बोल्ट खुल गए, यहाँ पे ये खुल गया, ये वायर है अर्थिंग, और ये वाला बोल्ट भी खुल गया, यहाँ पे जो हमारी मेन वायर रेड वायर है इसको भी मैंने खोल लिया है। तो अब हम फटाफट से इसके सेल्फ को कंप्लीट निकाल लेते हैं बाहर। तो ये देखो हमारा सेल्फ निकल गया, अब इसको हम क्या करते हैं फटाफट से इसको खोलते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सेल्फ, और यहाँ पे मैं इसको मार्का लगा लेता हूँ ताकि जब हमको फिटिंग करने टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से मैं इसमें पतला पेचकस ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें मार्का लगा लेता हूँ पेचकस से, ताकि जो हम इसको जब भी पूरा खोल लें और फिटिंग करने में हमको ये मालूम रहे कि हमने कौन सा कहाँ पे कौन सा पार्ट्स खोला था। तो यहाँ पे ये मार्का हो गया और दूसरा मार्का हम इसके सामने यहाँ पे लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको खोलेंगे। तो यहाँ पे दोनों मार्का लग गए हैं, यहाँ पे मैंने मार्का लगा लिया, इसके बाद अब हम इसको खोलते हैं। जो हमारा 7 नंबर का टी, ये देखो मार्का दोनों लग गया है, यहाँ पे लगा दी इसके सामने और ये वाला पॉइंट के इसके सामने, अब हमको खोलने में फिटिंग नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे फटाफट से जो हमारे 7 नंबर के स्क्रू वो खोल लेते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे 7 नंबर के दो बोल्ट खुल गए, इतने बड़े बोल्ट आते हैं। अब इसको कंप्लीट इस तरीके से दबाएंगे तो हमारा सेल्फ कंप्लीट खुल जाएगा, जो हमारी मोटर है वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से देखो इस तरीके से इसको निकाल लिया मैंने, ये हमारा अलग हो गया, इसमें वाइसर वगैरह होंगे, बहुत ध्यान से आप लोगों को रखना है वाइसर को। तो ये हमारे 3 वाइसर हैं यहाँ पे, जो ये देखो ये हमारे 3 एक 4 वाइसर इसमें लगे होते हैं। तो मैं इसको रखता हूँ साइड में, इसके बाद इसके जो हमारी कंप्लीट मोटर है उसको निकालते हैं बाहर। तो ये हमारी देखो ये मोटर मैंने निकाला, तो इसका जो पहले कार्बन था वो निकल के भाग गया, ये रहा कार्बन जो हमारा टूट गया कार्बन। तो यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन यहाँ पे लगा होता है, ये वाला 2 कार्बन इसमें होते हैं, एक ये है और एक जो हमारा अर्थिंग वाला है वो ये है, ये अर्थिंग वाला है और ये हमारा मेन है। तो इसको हम क्या करते हैं फटाफट, देखो कितना कचड़ा निकल रहा है इसमें से। तो फटाफट से हम ये 2 स्क्रू की, जो इसमें 2 स्क्रू होते हैं, ये हम खोल लेते हैं, स्प्रिंग को निकालते हैं और यहाँ पे दोनों स्क्रू हैं, ये वाला स्क्रू और ये वाला स्क्रू को हम फटाफट से खोल लेते हैं, इसका कंप्लीट बॉडी को निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ खुल गया है,
यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारी कंप्लीट खुल चुकी है। ये हमारे जो कार्बन टूटे हुए निकले हैं ये इसी प्रॉब्लम थी कि हमारी बाइक स्टार्ट नहीं हुई थी, तो फटाफट से सब कुछ कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारा सारा कुछ क्लीन हो गया है, सारा कुछ मैंने धो लिया, इसको सारा कुछ क्लीन हो गया हमारा, एक एक पार्ट्स को मैंने क्लीन कर दिया क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे ये हमारे जो कार्बन है, नए कार्बन जो मैं इसमें लगाऊंगा आप लोगों को दिखा दूंगा, ये जो कार्बन हमारे नए मैं इसमें जो लगाने वाला हूँ ये हमारे साइन यूनिकॉर्न दोनों में लग जाएंगे और जो हमारी सुपर स्प्लेंडर उसमें भी लग जाएंगे। तो इसको हम फटाफट से कंप्लीट फिटिंग कैसे करना है ये बताते हैं, तो चलो फटाफट से फिटिंग करते हैं इसको अब। तो यहाँ पे हमारे दोनों कार्बन लग गए, बॉडी हमारी प्लास्टिक वाली बैठ गई, ये हमारे एडविक कंपनी के, ये देखो हमारी एडविक कंपनी के जो हमारे कार्बन है मैंने बहुत बढ़िया एडविक कंपनी के आते हैं। तो हम क्या करते हैं ये सारा कुछ कंप्लीट फटाफट से फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बाइक में लगा के दिखाते हैं फाइनली। तो देखो फाइनली हमारा जो कार्बन लग गए नए, जो हमारा स्टार्टर जो हमारा सेल्फ है कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। इसको अब हम डायरेक्ट बाइक के पास ले चलते हैं और इसको हम लगाते हैं बाइक में और चालू करके आप लोगों को दिखाते हैं हमारी बाइक चालू होती या नहीं, ये भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फटाफट से मैं क्या करता हूँ इसके जो हमारा सेल्फ है उसको मैं कंप्लीट फिटिंग कर लेता हूँ इंजन में। तो यहाँ से ये बैठ गए, इसके बाद लगाएंगे इसमें दोनों बोल्ट। तो फटाफट से हम दोनों बोल्ट को लगाते हैं, इसकी अर्थिंग वाली वायर को भी लगा लेना है साथ में जो हमारे 10 नंबर के बोल्ट हैं। तो फटाफट से देखो हमारे सारा कुछ होगा, यहाँ पे ये वायर जो हमारी मेन बैटरी की आई थी वो लग गई, यहाँ पे बोल्ट टाइट हो गए, यहाँ पे बोल्ट टाइट हो गए, ये अर्थिंग लग गई हमारी। तो फाइनली हमारा काम होता है यहाँ का कंप्लीट। अब हम बाइक को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से मैं चाबी को लगा के करता हूँ ऑन, पहले चाबी ये वाली लगा देता हूँ, चाबी न्यूट्रल लाइट, अब चालू करता हूँ। तो प्रॉपर हमारा सेल्फ काम करने लगा, ये देखो ये सुनो प्रॉपर हमारी बाइक जो स्टार्ट होने लगी है सेल्फ से, ये देखो हमारी बाइक जो हो गई कंप्लीट। इसका जो कार्बन खराब थे तो हमने कार्बन डाल दिया, तो फाइनली हमारी बाइक की जो प्रॉब्लम थी वो हो गई दूर, सेल्फ हमारा चालू हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फटाफट से हम बाइक को करते हैं फिटिंग, पैनल वगैरह लगा के देते हैं कस्टमर को।